नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। दोस्तों लेके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक ऐसी वीडियो जो कि आपके काफी काम आई है फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे कैसे आप ये फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो आप कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज एक ये बहुत बड़ा यहाँ पर इशू बना रहता है हर एक यूट्यूबर के लिए और बिगनर यूट्यूबर के लिए, तो खास करके कि आखिर में कैसे ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड करें, किस टाइप की टॉपिक्स फाइंड करें, कैसे कहाँ से ढूंढें, कैसे ना ढूंढें। इसके लिए मेरे कई सब्सक्राइबर, कई व्यूअर्स ने मेरे को मैसेज भी डाला कि सर ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाओ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक ऐसा आपको ट्रिक लेके आया हूँ जिससे कि आप आसानी से जो है ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। बस थोड़े से करने हैं स्टेप को फॉलो, आसानी से आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को फाइंड कर पाएंगे, अपने आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स आएंगे आपके पास। कैसे करना है, क्या है पूरा प्रोसेस, सब कुछ बताऊंगा आपको मैं इस वीडियो में। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बताऊंगा कि आखिर में कैसे आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू रहता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक नया यूट्यूबर जब आता है उसके पास एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि आखिर में यार नए नए टॉपिक्स, नई नई चीज़ें, नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स कैसे ढूंढें, कैसे ना ढूंढें, क्या बनाएं क्या ना बनाएं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना रहता है। तो इसके लिए वहाँ पे उसको मल्टीपल चीज़ें पढ़नी पड़ती है, मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ती है, तब जाके उसके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट आता है कि हाँ यार इस तरीके की वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो ये सोचने के बजाय आपको बस कुछ स्टेप को करना है फॉलो, वीडियो के आखिरी में मिलेगा आपको ये स्टेप, तो बताऊँगा आपको पूरी डिटेल। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जो आपका इशू रहता है, अब यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना जरूरी है कि आपका वीडियो का जो टाइप है, जो आपके चैनल की कैटेगरी है वो क्या कैटेगरी है, प्रैंक है, फनी है, आपका टेक है, या फूड से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है, एनएक्सपेक्टेड क्या, किस टॉपिक से रिलेटेड है आपका, किस कैटेगरी में आपका चैनल फिट बैठता है, ये बात यहाँ पे जानना जरूरी है। अगर आपको ये पता है, और ऑब्वियसली बात है अगर आप वीडियोस डाल रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि किस कैटेगरी में आप अपनी वीडियोस को प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप जो भी एक्सवाइजेड आपका चैनल है, अगर आप बिगनर हैं या ऑलरेडी आप यूट्यूबर हैं, तो क्या करना है, कैसे फाइंड करना है कि आपको सिर्फ एक नई मेल आईडी क्रिएट करनी है, राइट। नई मेल आईडी ये किस लिए, राइट, मैंने बताया ना कि वीडियो के एंड में, तो ऑलमोस्ट बस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपको एक मेल आईडी क्रिएट करना है, और जब आप मेल आईडी क्रिएट करेंगे उस मेल आईडी से एक नया चैनल क्रिएट कीजिए, राइट, नया चैनल क्रिएट कीजिए, जस्ट एक्स वाई जेड कुछ भी अपने नाम से, या एक्स वाई जेड किसी भी नाम से एक चैनल क्रिएट कीजिए, और उस मेल आईडी से, यानी जो जिस मेल आईडी से आपने एक नया चैनल क्रिएट किया है उससे अपने चैनल को सब्सक्राइब मत करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब मत करो, किसी और के चैनल को सब्सक्राइब मत करो, किसी के भी चैनल को सब्सक्राइब ना करो, बस सिर्फ आप यूज़र रहो कि हाँ ठीक है मैं यूट्यूब को यूज़ करता हूँ, दैट्स इट। यानी इसके अलावा आपको किसी को भी सब्सक्राइब नहीं करना। अब क्या करना है, ये बात यहाँ पर समझने वाली बहुत है। आपको पहले दिन आपको लाइक अगर सपोज दैट आपकी कैटेगरी अगर टैग की है, अगर आपकी टैग की कैटेगरी, तो आपको क्या करना है, आप ये लिखिए कि टेक्नोलॉजी या टेक वीडियोस, टॉप 10 टेक्नोलॉजीज वीडियोस, ऐसे इस तरह से कीवर्ड्स ढूंढिए, और आप क्या कीजिए, जो टॉप पे वीडियोस आए उनको आप वॉच कीजिए, राइट, उनको आप वॉच कीजिए। यानी अगर मान के चले कि आप टिप्स एंड ट्रिक्स की कोई वीडियो बना रहे हैं, आप लिखिए व्हाट्सएप टॉप ट्रिक्स, व्हाट्सएप 2000 ट्रिक्स, ऐसे व्हाट्सएप ब्लॉक ट्रिक्स, ऐसे अनब्लॉक ट्रिक्स, इस तरीके से, ऐसे मतलब जो भी आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से वहां पे ये चीज फाइंड करें। अब क्या होगा, मान के चलिए अगर आपने यहां पे लिखा हाउ टू अनब्लॉक फ्रॉम व्हाट्सएप, आपने ये कीवर्ड सर्च किया, अब यूट्यूब क्या करेगा, आपको पास जो भी वीडियोस आएगी वो उसको दिखाएगा, राइट। दिखाने के बाद यूट्यूब क्या करेगा कि जैसे आपने उस वीडियो को वॉच किया, पूरा देखा, जिस तरीके से भी आपने देखा, नेक्स्ट टाइम आपने उसी तरीके से 4-5 वीडियोस आपने देख लिया बैक टू बैक एक्सवाइजेड, जैसे भी आपने उस वीडियो को देखा, उसके बाद में क्या होगा, आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे फिर से उसको आपको उसी कैटेगरी से रिलेटेड आप और चीज़ें सर्च कीजिए, लाइक कुछ भी सर्च कीजिए कि नेक्स्ट डे अगर आपने मान के चलिए कि आपने कुछ भी सर्च किया, नेक्स्ट थोड़ा सा वर्ड चेंज करके कुछ भी सर्च कर लीजिए। ऐसे जब आपका ये सिलसिला चलता रहेगा 2-3 दिन, ऑटोमेटिक यूट्यूब आपको क्या करेगा, अपने आप वीडियो रिकमेंड करेगा, टॉप वीडियोज़ रिकमेंड करेगा, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोज़ को रिकमेंड करेगा,
और वो वीडियोस की रिकमेंड करेगा जो उस टाइम पे वायरल या ट्रेंडिंग या ऐसी चीज़ें जिनके ज़्यादा चलते हैं, वो ऐसी वीडियोस को आपको वहाँ पे रिकमेंड करेगा, इनकी वीडियोस को देखो, इनकी वीडियोस को देखो। बिकॉज यूट्यूब की एल्गोरिथम ही यही है कि अगर आपने किसी के चैनल को देख लिया तो आपके आपके पास उसी तरीके की वीडियो सबसे ज़्यादा आएंगे, या उस सब्सक्राइब उस यूट्यूबर्स की वीडियो आपके पास सबसे ज़्यादा आएंगे। तो इस तरीके से आपके पास ढूंढने की आवश्यकता है नहीं, आपने सिर्फ दो दिन एक दिन मेहनत किया, ट्रेंडिंग वीडियो अपने आप आपके पास आएंगी, अपने आप टॉप वीडियोस कैटेगरीज आपके कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोस आपके पास आएंगे। आई होप कि बस यहाँ पे था कि ट्रिक जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए पर्सनली। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, मन की बात जरूर बताएं, और बताएं क्या इसका इस्तेमाल करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या आपको इस तरीके से वीडियोस का सजेशन मिलता है या नहीं मिलता है, रिकमेंडेशन आता है या नहीं आता है, सब कुछ बताएं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक करके वीडियो को अपना प्यार दिखाएं। और फ्रेंड्स इतने देर तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर हैं नए तो चैनल को लें सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।